अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग बाय ताहिर। दोस्तों आपको पता है गर्मी से सर्दी आ रही है, मौसम आस्ता आस्ता बदल रहा है, ठीक है। बहुत से लोगों का गला ख़राब हो रहा है, किसी स्पेशली जो बाइकर्स हैं जो बाइक चलाते हैं और रात को लेट घर जाते हैं, उनके लिए स्पेशली ये चाहिए उनको कि अपने ग्लव्स रखें, अपने जो है सॉक्स पहने और शूज़ अच्छे पहने ताकि सर्दी कवर कर सकें, हेलमेट कवर करें, हेलमेट नहीं है तो अपना वो रुमाल जो है वो अपने बांधे रखें ताकि आपके सर में और आपके कानों के ज़रिए आपको सर्दी ना लगे। बाइकर्स के ऊपर जरूरी है, बाइकर्स को ज़्यादा सर्दी लगेगी अगर वो बाइकर्स पे हैं और ठंडी हवा चल रही है और वो अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, वो गर्म सर्द हो जाता है तो वो बाइक पे फिरते रहते हैं तो उनको सर्दी लगनी है। उनके लिए चाहिए अगर वो घर जाएं जब अपने या ऑफिस में, जब सुबह अपने ऑफिस में सुबह सुबह आएँ अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो 5-6 बजे जो लोग जाते हैं वो अपने ऑफिस आएँ, आके हल्का सा गर्म पानी करें, गर्म पानी करके ये जोर जो शादा है जो बड़ा आसानी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा और ये बड़ा सस्ता भी है, 10 रुपये का आपको मिल जाता है, ये आप ले लें। इसको जो है ना आप हाफ जो है ना आप पूरा ना डालें, वो गर्म पानी के अंदर जो है ना हाफ इसको डालें, डाल के इसको हला के विदाउट शुगर हला के इसको आप पी लें। जितना आपको सर्दी लगी होगी गर्द गुबार भी आपके अंदर गया वो टोटली ये क्लीन कर देगा। इसी तरह जब आप अपने घर वापस आते हैं रात को, स्पेशली जो लोग बाइकर्स हैं रात को 11-12 बजे या ठंड में घर आते हैं, उनको भी चाहिए घर आते जो है ना या वो गर्म पानी के 2-4 गरारे कर लें, अगर नहीं कर सकते तो गर्म पानी अपने माइक्रोवेव में गर्म करें, गर्म करके इसका 1 चम्मच जो है शांदा का डाल लें, मिक्स करके पी लें और पीले। उससे ये होता है कि जितनी भी उनको ठंड लगी होगी वक्ती तौर पे वो सारी की सारी उसी वक्त जो है ना वो इनहेल हो जाएगी, इसकी शांदे की जो हीटअप होगी इसके साथ और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं जी शांदे का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर ये है। जिन लोगों ने भी ठंड लगी डेली उनको ये चाहिए कि वीकली एक दफ़ा जो है ना वो इन चांदे का इस्तेमाल बिल्कुल करें, रात को सोने से पहले अगर वो बाइक से बाइकर्स हैं या सुबह जब ऑफिस आ गए ऑफिस आके भी पी सकते हैं, आप चाय में डाल के भी पी सकते हैं, आप गर्म दूध में भी डाल के पी सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त इस तरह के हैं कि वो तो वैसे भी जब आते हैं तो गर्म इसका एक चम्मच ले लेते हैं, ऊपर से वो पानी पी लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा नुकसानदेह होता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं। इसको बेहतर ये गर्म पानी में आप गर्म करें, अगर पानी अच्छी तरह गर्म करके 1 चम्मच डाल के इसको हला लें और वो पी लें, उससे ये होगा कि आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको अगर ठंड थोड़ी सी लग भी रही है या बीमार भी हो रहे हैं, स्पेशली गला ख़राब होने से खांसी हो जाती है, फिर आपके कान में दर्द होना शुरू होती है, नाक में दर्द होना शुरू हो जाती है, अगर ये आप इस्तेमाल कर लेंगे इसका तो आपको ना बुखार होगा, ना कान में दर्द होगी, ना आपका गला ख़राब होगा और आप आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये मैसेज आप ख़ुद भी आप सुनिए गौर से और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका गला ना ख़राब हो, उनको सर्दी ना लगे, उनके लिए बेहतर हो। थैंक यू सो मच।